हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल फ्लैशबैक इन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुमताज़ माधवानी 31 जुलाई 1947 को जन्मी। 1971 में खिलौना में अपनी किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड जीता। हालांकि उन्होंने छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ शुरुआत की, लेकिन बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आईं। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों और नर्तकियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। शायद ये पहली हीरोइन रही जो स्टंट फिल्म नायिका के रूप में याद की गई। और फिर आई फिल्म दो रास्ते 1969 में राज खोसला की ब्लॉकबस्टर, जिसने मुमताज को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया। इसमें राजेश खन्ना साहब ने अभिनय किया। फिर राजेश खन्ना साहब के साथ बंधन मूवी आई इनकी। फिल्म दो रास्ते और बंधन उस वर्ष की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई। खन्ना साहब के साथ 10 हिट फिल्में दी इन्होंने। बाद में परिवार पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए आईना मूवी 1977 के बाद इन्होंने काम करना छोड़ दिया। और 1990 में आंधियां फिल्म से फिर से इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में वापसी की। अवार्ड्स की बात करें तो 1971, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, फिल्म खिलौना के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से इन्होंने शादी की। तो ये थी मशहूर अभिनेत्री मुमताज। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मशहूर हस्तियों की अनसुनी दास्तान जानने के लिए मेरे साथ बने रहें फ्लैशबैक इन पर। Till then, keep watching my videos and take care. Thank you, everyone. Thank you all.